फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने वाली हूं टेंपल स्टाइल पुलियोर अन्नम। इसे टैमरिंड राइस भी कहा जाता है और पुलियोर अन्नम भी कहा जाता है। ये मंदिर में प्रसाद के रूप में परोसा जाता है। ये साउथ का बहुत ही फेमस डिश है। इसे स्पेशली त्योहारों और उत्सव के समय मनाया जाता है। उसके साथ साथ ही ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट डिश है। इसे हम लोग बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। उसके लिए हम इसका रेडी टू मिक्स बना के रखेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी दिखाऊंगी इसका रेडी टू मिक्स कैसे बनाते हैं और इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसको हम लोग बना के एटलीस्ट 1 मंथ तक की स्टोर कर रख सकते हैं और पके हुए चावल में हम लोग इसको मिक्स करके बच्चों को दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है चावल, तिल्ली तेल लिया है, इमली है, सूखा नारियल है, फल्ली दाना है, सूखी मिर्च, गुड़, जीरा, सरसों, चना दाल, उड़द दाल है, हल्दी है, हरी मिर्च है, हींग, और मैंने तिल्ली तेल यूज़ किया है। उसके बाद आप यूज़ करोगे नमक स्वाद अनुसार और एक करिया पत्ती का स्ट्रिप। ये है पाउडर बनाने के लिए तिल्ली, खड़ा धनिया, चना दाल, उड़द दाल, जीरा और सूखी लाल मिर्च। तो आइए देखते हैं इसको बनाना। सबसे पहले इमली को ले लेते हैं हम लोग। इमली को अच्छे से वॉश करके इसको भीगने के लिए रख देते हैं। इमली अगर भीगता है तो उसका पल्प हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग चावल का प्रिपरेशन करते हैं। चावल मैंने ये कटोरी से 2 कटोरी लिया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। धो के इसे मैं बनाऊंगी। आप बना बनाया चावल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये भी प्रोसीजर दिखा दिया है। अब चावल को मैंने धो लिया है, इसको मैंने बर्तन में ऐड कर दिया है। अब मैं इसको रखूँगी गैस के ऊपर। चावल का हमें ये ध्यान में रखना है कि चावल बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। अब चावल को मैंने गैस के ऊपर रख दिया है। इसमें मैंने 1 स्पून नमक ऐड किया है और थोड़ा सा तेल। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। उसके बाद हम लोग बनाते हैं उसका पाउडर। पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तवा गरम किया है। उसके बाद उसमें ऐड किया है 1 टीस्पून चना दाल। चना दाल के बाद मैंने ऐड किया है उड़द दाल। मिक्स करके उड़द दाल ऐड किया है। जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जीरा। जीरा डाल के भी हम लोग थोड़ा सा मिक्स करते हैं। उसके बाद ये खड़ा धनिया है, इसको भी मैंने डाल दिया है, डाल के थोड़ा सा मिक्स किया है। अब सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च आप 1 या 2 अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोग कम तीखा यूज़ करते हैं तो 1 डालना। अब लास्ट में मैंने ऐड किया है तिल्ली। तिल्ली को हम लोग ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी भुन जाता है। ज़्यादा भुनेगा तो कड़वा हो जाएगा। अब इसे ठंडा करके इसका हम लोग पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना के हम लोग इसमें इसको साइड में रख देते हैं। अब हमारा चावल बन के रेडी है। चावल को मैंने एक बर्तन में निकाला है। बर्तन में निकाल के इसे मैं ठंडा करने रख दूँगी। जब तक ये ठंडा हो जाता है हम लोग बनाते हैं पुलियोरम मिक्स। अब मैंने कढ़ाई गैस के ऊपर रखा है, गैस का फ्लेम ऑन किया है। अब मैंने इसमें तिल्ली तेल यूज़ किया है। आप चाहो तो फल्ली तेल भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी तेल जो आपको पसंद है, बट तिल्ली तेल यूज़ करोगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। मैंने 4 टीस्पून तिल्ली तेल डाला है। जैसे तिल्ली तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैंने ऐड किया है चना दाल। चना दाल ऐड किया है। चना दाल के बाद मैंने उड़द दाल ऐड किया है। अब मूँगफली डाल के थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जीरा और सरसों। जीरा सरसों डाल देते हैं। जीरा सरसों डालने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी सूखा नारियल। सूखा नारियल आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। आप यहाँ पे अदरक भी ऐड कर सकते हो, बट अगर आप अदरक डालोगे तो उसे आप प्रसाद के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सूखा मिर्च और हरी मिर्च डाला है और करी पत्ता डाला है। हरी मिर्च आप अपनी टेस्ट के अनुसार डालिए। अगर आप लोग कम तीखा खाते तो आप कम, ज़्यादा तीखा खाते तो ज़्यादा। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लिया। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी इमली का पल्प जो हमने बना के रखा था। इमली का पल्प हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ्लेम मीडियम है। अब मैंने ऐड किया है हल्दी। हल्दी ऐड करने के बाद अकॉर्डिंग 1/4 जितना मैंने हींग डाल दिया। हींग डाल के मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाता है उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है गुड़। गुड़ ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है नमक 1 टीस्पून। नमक आपको अगर कम लगता है तो चावल मिक्स करते समय आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा इसमें एक बॉईल आएगा। उसके बाद हम लोग इसको ढक देते हैं। ढक के हम लोग इसको 10 मिनट तक पकाते हैं। हमें उसको तब तक पकाना है जब तक साइड से तेल नहीं छूटता है और उसका पानी कम नहीं हो जाता है। अभी आप यहाँ देख सकते हो साइड से
तेल भी छूट गया है और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है। तेल निकलते तक हमको पकाना है, अदरवाइज़ आपका चावल गीला गीला रहेगा और आप इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। अब हमारा मिक्स बन के रेडी है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। इसे आप 1 मंथ तक के स्टोर करके रख सकते हो और चावल में मिक्स कर सकते हो जब चाहे तब। अब मेरा चावल यहाँ ठंडा हो गया है, जैसे ही चावल ठंडा हो गया उसमें मैं जितना हमें रिक्वायर है उतना मिक्स करूँगी, 4 स्पून जैसे ही। अब बाकी का मैं स्टोर करके रखूँगी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ऊपर नीचे, जैसे ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है जो तिल्ली और जीरा धनिया चना दाल उड़द का पाउडर है, ये आप स्किप कर सकते हो बट इसे डालना अच्छा है। ये डाल नहीं डालोगे तो आपको टेम्पल वाला फ्लेवर नहीं आएगा। अब आप इसको 2 टीस्पून यूज़ करना, बाकी बचाव आप रख सकते हो। अगर आप तुरंत बना रहे हो, आपको मिक्स स्टोर नहीं करना है, तो आप पकते समय ही इसको ऐड कर सकते हो, बट मुझे वो वाला मिक्स स्टोर करके रखना है इसलिए मैंने उसको मिक्स नहीं किया, फाइनली मैंने इसे ऐड किया है। अब मेरा पुलियो और अन्ना बन के रेडी है, मैंने इसे सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।